सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान ने मौजपुर वार्ड की बिस्मिल्ला मस्जिद के पास गलियों के कार्य निर्माण के लिए उद्घाटन किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विधायक अब्दुल रहमान मौजपुर के वार्ड की जो बिस्मिल्ला मस्जिद के पास दो गलियां कार्य निर्माण का उद्घाटन किया, जहां रिबन काटी स्थानीय जनता के साथ इसके साथ ही नारियल फोड़कर जो उद्घाटन किया। साथ ही विधायक ने खुद जनता को फूलमाला से जो मुबारकबाद दी, क्योंकि काफ़ी सालों से गलियां टूटी हुई थी, जर्जर अवस्था में थी। यहां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि गलियां सालों से टूटी पड़ी हैं, जो विधायक ने आज इसका बनाने के लिए उद्घाटन कर दिया। इसके साथ साथ जो क्षेत्र में जो जनता है, उन्होंने अब्दुल रहमान से एक काफ़ी सारी समस्या का भी बताया। जो सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ की जनता का कहना था कि कुछ गलियों में दो साल से पानी नहीं आता और कुछ गलियों में छः साल से पानी नहीं आता, जिसके बाद विधायक अब्दुल रहमान का कहना था कि जो मुझे पहले जानकारी नहीं थी, अब ये मेरी जानकारी में आया है और जल्द से जल्द ये पानी की समस्या भी समाधान होगा। और साथ ही कहा कि हमने कुछ दिन पहले गौतमपुरी पानी की टंकी से उद्घाटन किया नई लाइन का, जिस लाइन से इस इलाके में पानी भी ज़्यादा आएगा और साफ सुथरा भी आएगा। सुने विधायक अब्दुल रहमान और स्थानीय जनता की बाइट। ये दो तीन गलियां नहीं हैं, गली तो दो हैं, लेकिन इसके साथ मेरे ख्याल से छः या सात लिंक जुड़े हुए हैं। हाँ, छः गलियां जुड़ी हुई हैं और ये तमाम को बनाया जाएगा और एक महीने के अंदर इंशाल्लाह तैयार कर दिया जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कुछ जल समस्याएं भी लोगों की हैं, जहां देखा गया कि किसी अगर पानी का दिक्कत है और किसी का कह रहा है कि यहां पर पिछले छह साल से लगातार यहां की जो सीवर है वो भी बंद पड़े हैं। देखिए, पिछले छह साल की दिक्कत भी लोगों ने बताई, पिछले दस साल की भी बताई और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जब से विधानसभा बनी है यहाँ पर पानी की किल्लत है। लेकिन मेरा वादा है यहाँ के लोगों से कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो दो महीने के अंदर अंदर यहाँ की सीवर और पानी की दोनों समस्याएं पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। जो अभी आपने कुछ दिन पहले जो पाँच दिन पहले जो गौतमपुरी वार्ड से जो अपने जो नई पाइपलाइन की जो उद्घाटन किया था, उस पाइपलाइन से कब तक इसी इलाके में पानी मिलेगा? देखिए, वो पाइपलाइन हम डाल रहे थे और उसके डालते डालते एक हादसा हो गया। वहाँ पर जो BSES की केबल आ रही थी वो फट गई थी, लेकिन उस लाइन को डाल रहे हैं। हमारे UGR पर रिपेयर चल रही है, 26 तारीख तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद बहुत इलाकों में गौतमपुरी, जाफराबाद, चौहानबांगर और सीलमपुर, बिरहमपुरी, इन इलाकों में उस लाइन से रिलीफ मिलेगा। लेकिन मौजपुर के लिए हमने एक स्पेशल लाइन डाली थी जो हम सीधा गौतमपुरी से लेकर के आए थे और ला करके हमने मदर ये डेयरी है बाहर, गंगा डेयरी, इसके पास में हमने उस लाइन को जोड़ा है। उससे काफ़ी हद तक प्रेशर बढ़ा है, लेकिन कई जगह पर लाइनें पता नहीं क्या उनमें दिक्कत है जो पानी नहीं पहुंच पा रहा। मेरे AE साहब, मेरे JE और मेरे मेट तीनों यहां मौजूद हैं, उन्हें दिखा दिया गया है और अल्लाह ने चाहा तो एक वीक के अंदर अंदर इनका हल निकालेंगे। और अगर हमें पाइप बदलना पड़ा तो इसका इस्टीमेंट तत्काल प्रभाव से बनवाएंगे और फटाफट करके इसका पाइप डलवा करके इन लोगों की समस्या को दूर करेंगे, क्योंकि पानी एक बेसिक नीड है, हर इंसान को मिलना चाहिए, उसका हक है, उसका अधिकार है। मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो यहाँ 5 साल 20 साल रह कर के चले गए और लोगों की पानी की समस्याओं को हल नहीं कर पाए। लेकिन एक दिन का काम एक दिन में नहीं होता। संजय साहब, मैं इसमें पूरी मुश्तैदी के साथ लगा हुआ हूँ और मेरा प्रयास है कि मैं सबसे पहले पानी और सीवर की समस्या को दूर करूं और जो मेरे इलाके के लोग इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द करके मैं उनकी समस्याओं को दूर कर पाऊं। नाम क्या है आपका? फैयाज अहमद। क्या यहाँ पर जब विधायक आए तो आप क्या कंप्लेंट दी आपने? जी, कंप्लेंट ये थी कि पानी नहीं आता, सड़क नाली नहीं है, परेशानियाँ हो रही, काफ़ी दिनों से परेशानियाँ चल रही हैं। विधायक जी कह रहे हैं करा के देंगे हम, मैं देखो कहाँ कब कराते हैं, महीने में या साल में, कभी पता चलेगा। जब ऐसा तो क्या क्या खास दिक्कत है? पानी और नाली, सड़क बिल्कुल बेकार है जी, 5-7-6 साल से बिल्कुल भी नहीं है, मगर कह रहे हैं विधायक जी आए तो कह रहे हैं करा के देंगे हम। कह रहे हैं जी, वायदा कर रहे हैं पूरा, नहीं ये कह रहे हैं इंशाल्लाह करा के देंगे, कह रहे हैं ये कह रहे हैं पानी आने से पहले ही उद्घाटन कर। जैसे पानी तो है ही नहीं यहाँ पे, जब से नहीं 10 साल से पानी की प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर, लेकिन जैसे सारे विधायक वायदा करते हैं कि जी हम करके जाएंगे, करता कोई नहीं है, आने से पहले उद्घाटन कर दिया, ऊपर वाला मालिक आएगा या नहीं आएगा। यहाँ कह रहे थे कि बड़ी लाइन बिछवाएंगे पानी के लिए, उसकी भी कोई सुविधा नहीं हो रही है, क्या भाई पहले कह तो देते, बाद में फिर काम नहीं होता,